चलो दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कल था दशहरा, परसों थी रामनवमी, और कल मंगलवार था ना, तो जिसकी वजह से हमारा कलश अखंडीय वगैरह नहीं हटाया गया है, क्योंकि बोलते हैं मंगलवार को कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पता नहीं, बड़े लोगों काम है, उन्होंने हमसे बोला था कि परसों ना जब नवमी थी तब मम्मी ने बोला था कि कलश और दिया थोड़ा सा हिला दो, और क्योंकि शाम हो गई थी और शाम के टाइम पे विसर्जित नहीं किया जाता है सूर्यास्त होने के बाद, तो उन्होंने मना किया। तो फिर कल पड़ गया था मंगल, तभी भी बोला कि नहीं, मंगल को नहीं हटाया जाता है, तो कुछ भी विसर्जन नहीं किया जाता है। तो मतलब हमारा अखंड दिया तो अब वो हो चुका है, बुझ गया, जितना था उसमें तेल था वो यूज़ हो गया है। और ये कलश भी रखा हुआ माता रानी का, और अभी ना गौरी और गणेश भी यहाँ पे रखे हुए हैं जो बैठाते हैं, तो सब कुछ वैसा ही है, सिंगार का सामान भी, तो कुछ भी नहीं हटाया है। तो आज ना ये सब चीज़ें विसर्जित करूँगी धीरे धीरे, और आपको भी बताऊँगी कि मैं इन चीज़ों का क्या करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ना मैं इस अखंड दिया को हटाऊँगी, और देखिए इसमें ना इतना सा तेल बचा हुआ है, और इसकी बाती ना जो 1.25 मीटर की बाती होती है वो अच्छे से 9 दिन चल जाती है और बच भी जाती है। तो इसके ना ये बाती है, इसको निकाल के हम लोगों ने एक बैग बनाया हुआ, पूरे 9 दिन के फूल और भी जो चीज़ें निकलती हैं उसमें ही डालते हैं, ताकि बाद में वो पॉली बैग ले जाके वहाँ पे विसर्जित कर देंगे सामान को। तो ये चीज़ हम उसी में डाल देंगे, तो इसको साइड कर लेते हैं। और इसमें जो हमने बनाया चावल रखा था, ये जो पीले चावल हैं, इसको या तो पक्षी को डाल देंगे या तो उसी बैग में डाल देंगे। अभी बाहर अगर बर्ड्स होंगी तो उनको डाल देंगे, और या फिर अब वही बैग में डाल देंगे, जैसा होगा आपको दिखाऊंगी अभी क्या करूंगी। और ये है कलश, जय माता रानी। ये ना मैंने चुन्नी में बांध के रखा था, तो चुन्नी मैं निकाल लूँगी एज आ प्रसाद के लिए। और ये है नारियल, तो नारियल ना, नारियल भी विसर्जित होता है, तो उस विसर्जित वाले जो बैग है उसमें डाल देंगे। इसका चावल भी उस बैग में डाल दें, मोस्टली चीज़ें उसी में जानी है। और देखते हैं इसमें कितना क्या पानी बचा होगा, तो पानी पूरे घर में डालना होगा। और इसका जो सामान है, जो मैंने इसमें पैसे और कपूर जो भी चीज़ डाली थी, मतलब पैसे डाले थे, लौंग डाली थी, सुपारी डाली थी और बताशे डाले थे, सब चीज़ें वो निकाल के रख लूँगी। तो चलो कर लेते हैं फटाफट से, मिलते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मेरे ये सब दर्द हो रहा है। यहाँ पे फ़ोन को थोड़ा सा टेक देते हैं। और फ्रेंड, धीरे धीरे करके मंदिर से कलश अखंड दिया सब हटाऊंगी, और सच बोले ना इस टाइम बहुत मन भारी होता है, क्योंकि 9 दिनों तक इतना सुंदर और इतना प्यारा मंदिर लगता है और फिर एकदम से खाली खाली लगने लगता है। आप बताना, आप लोग को भी ऐसा फील होता है क्या? मैं एक एक चीज़ हटा रही हूँ और मुझे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि ये अखंड दिया और जो कलश होता है ना, एक फील कराता है कि नहीं, माता रानी का भव्य स्वरूप है घर पे। वैसे तो माता रानी हमेशा हम लोग के साथ हैं, पर फिर भी एक अटैचमेंट हो जाता है वो अखंड दिया के लिए, लगाओ उसको देखना, और अब ऐसे लगेगा कि नहीं यार कुछ वही ही नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर माता जी आएंगी और फिर हम लोग पूजा पाठ अच्छे से करेंगे 9 दिनों की। और यहाँ पे ना मैं जितना भी कलश और पत्ती फूल और जो गौरी गणेश बनाए थे और जो कलश के अंदर का सामान होता है वो सब ना मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े से राइस मैंने बाहर करके रख दिए ताकि पक्षी खा ले, और कलश में जो बचा हुआ पानी होता है ना वो पूरे घर पे छिड़का जाता है एक एक कोने में। तो मैंने अपने पूरे घर पे अच्छे से माता रानी का आशीर्वाद को छिड़क दिया, उनका पानी गंगा जल वाला। और आज मम्मा है नहीं, मम्मी गई हैं ऑफ़िस, क्योंकि आज वर्किंग डे है तो मम्मी ऑफिस में है, हम नैन्सी हैं, तो पूरे घर पे अच्छे से पानी छिड़क दिया है। सो गाइस, ये जो माता रानी का सिंगार है, जो माता रानी को चढ़ाते हैं, इसमें से थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लेंगे, मतलब घर पे रख लेंगे, और बाकी का जो भी सिंगार का सामान है ना वो किसी मैरिड वुमेन को दे देंगे कि वो यूज़ कर ले। और नैन्सी के फ़ोन में बस मुझे यही चीज़ें लगती हैं, मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई अभी,
नैन्सी के फोन में ना चेहरा अपने आप गुज 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 पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता इसमें क्या है। तो मैं किसी भी मैरिड वुमेन को दे दूंगी ताकि वो यूज कर ले माता रानी का प्रसाद। और अब चलते हैं पूजा की तरफ, पूजा कर लेंगे एंड देन फिर कुछ और काम करेंगे। हे गाइस, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ बाहर। यहाँ पे नैन्सी अपने स्कूल का कुछ DIY टाइप कर रही है। बाहर चल रही है बहुत तेज़ टीवी की आवाज़, तो मैं मिडिल में। अच्छा, कॉलेज स्कूल में कहे हैं। हाँ, कॉलेज में हो, कुछ कॉलेज का प्रोजेक्ट है उसका, तो वही कर रही है वो। यहाँ मम्मी देख रही हैं सीरियल और मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ बाहर। तो चलो चलते हैं, आते हैं मम्मी, आते हैं, बाय। सो फ्रेंड चल दिया है मार्केट की तरफ अपनी फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसकी शादी है 4 नवंबर को इतनी पास में, और धीरे धीरे करके वो अपनी तैयारियां कर रही थी। तो उसे आज ना यहाँ से अपने ब्लाउज पीसेस और अपने सूट्स उठाने थे, तो फिर हम लोग साथ में गए थे और मुझे भी मार्केट का काम था, तो फिर दोनों लोग साथ चले गए और बातें करते करते जा रहे हैं। और मैंने आवाज़ म्यूट कर दी क्योंकि हम लोग की बातें सुनने लायक नहीं होती हैं, इतनी पागलपनी वाली बात होती है। तो फिर हमने कहा कि रहने देते हैं यार, वरना आप क्या सोचोगे। जस्ट जोक सपाट, हम लोग अपनी पर्सनल बातें कर रहे थे उसकी शादी से रिलेटेड, कि उसकी क्या पैकिंग हो गई है, क्या नहीं हुई है। और मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा उसके साथ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उसका भी कुछ कुछ शेड्यूल बिजी है, शादी से थोड़े दिन पहले का कितना हैट्रिक शेड्यूल होता है। और मैं ना बिल्कुल भी उसे ऐसे डिप्रेस टेंशन नहीं देना चाहती कि मेरे संग समय बिताओ समय बिताओ, क्योंकि आई नो वो उसकी शादी है, वो अच्छे से अपनी सारी तैयारियां कर ले, और मिलना तो हम लोग को बाद में भी होता रहेगा। और उसकी फैमिली जो है, जो न्यू फैमिली उसकी है, वो भी बहुत अच्छे हैं, उसके हस्बैंड से मेरी बहुत अच्छे से हम लोगों की फ्रेंडशिप है। तो उस चीज़ का मुझे थोड़ा कम डर है कि अरे मेरी फ्रेंड चली जाएगी तो हम लोग मिलना नहीं होगा। और आ गए हम लोग शॉप के पास, यहाँ पे अंदर जाके खूब टेलर और ज्वेलरी शॉप की दुकान है, तो यहीं साइड पे एक अंकल जी हैं, वहाँ पे इसने सिलवाया था। और आपने कभी भी इसको साड़ी वगैरह सूट वूट में नहीं दिया, क्योंकि हमेशा वेस्टर्न कपड़े पहनती है, और मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग होगा आफ्टर मैरिज इसे साड़ी वाड़ी में देखना। आई एम सो हैप्पी कि कैसी लगेगी। और नहीं तो साड़ी भी तो ऐसी ही होगी ना, ये साड़ी पहने उनका तुम तो बस ये रह जा रहा है। सेटन का बनेगा ना वो चिकने कपड़े का, देखो पैसे तो मैं खर्च करने ही करने हैं, अगर मान लो सो टेलर के यहाँ का सारा काम हो गया था। अब हम लोग जा रहे हैं मेन मार्केट, जहाँ से हम लोग थोड़ा मेकअप वगैरह खरीदेंगे। ऐसे कुछ अच्छा दोस्त हो ना, दुश्मन कमी नहीं, एक तुमने पूरे करा, बार्गेनिंग नहीं करी तुमने मेरे संग आज, बार्गेनिंग आने की ये बताओ, ऊपर से उसी को भड़का रही हो अब लगाएंगे नकली। सो फ्रेंड बैठ गए एक जगह हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए, तो इसकी कैपेचिनो है, मेरी अमेरिकानो है, और ये बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कड़वी टाइप की होती है, लेकिन मुझे अब अच्छी लगने लगी है। और वापस हम लोग घर की तरफ आने लगे हैं, मेरी वजह से ना, मेरी फ्रेंड बोल रही थी तुम्हारी वजह से हम लोग कहीं अच्छा मील नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज तुम्हारी डाइट के चक्कर में मेरी भी डाइट हो रही है। तो हम लोगों ने बस वहाँ पे कॉफ़ी पी, उसके बाद मैं घर चली गई, क्योंकि मुझे घर पे खाना खाना था, बाहर का मतलब क्या ही खाते यार, फास्ट फूड खाते तो नुकसान करता हो। वैसे भी अभी ना इतनी शादियों का सीज़न आ रहा है, तो नाना करते करते कुछ तो डाइट मेरी टूटेगी, तो आई जस्ट ट्राई कि नहीं मैं एटलीस्ट मेंटेन करूँ, बाकी तो देखो यार थोड़ा बहुत तो चलेगा। उसके बाद हम लोग आए थे गिफ्ट गैलरी, तो हम लोग को थोड़ा सामान भी लेना था, पर वहाँ का मैंने व्लॉग बनाया नहीं है। बातें करते करते आ घर, बहुत तेज़ भूख लगी है। सो दोस्तों यही होता है कि जब आप हमेशा वो काम करो और वो ना करो तो घर वालों को भी यकीन नहीं होता है। मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर मार्केट, उसे भी थोड़ा काम थे और मुझे भी थे, तो हमेशा की तरह मम्मी को लगा कि मैं बाहर से खा के आ जाऊँगी, क्योंकि जब भी हम लोग साथ पे जाते हैं, चाहे वो लंच का टाइम हो या डिनर का टाइम हो, हम लोग बाहर खा लेते हैं। तो मम्मी को लगा कि ये लोग खा लेगी बाहर ही, और बाकी लोग का खाना बन गया, उन्होंने खा लिया। नैन्सी मेरा वेट कर रही थी, मैं घर आई। ईमानदारी से जब से मैं डाइट पर हूँ, बाहर का मतलब पीना भी होगा तो कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे, कुछ हेल्दी खा लेंगे, मतलब ऐसा कुछ प्रॉपर बैठे खाते नहीं कि पता नहीं कौन कैसे क्या बनाया होगा क्या नहीं बनाया होगा। मैं जब घर आई ना, मम्मी से बोला मैं भूख लग रही, खाना क्या है बनाया आपने, तो ये बोली खाना तो बनाया था तो हम लोगों ने खा लिया, अब वो सुबह के छोले रखे हैं तो मानो तो वही खा लूँ।
तो दोस्तों बनाई अभी रोटी, जो अभी इन लोगों को खाने से बचा हुआ चावल है वो चावल खा रहे हैं। नैन्सी का भी वही खाना है क्योंकि उसे पसंद नहीं, जो मम्मी ने बनाया था उसे पसंद नहीं था, तो उसका उसी का प्लान था कि वो छोले खाएगी। अब उस टीम में हम भी जुड़ गए हैं, यही होता है। या तो आप कभी भी गलत काम करो नहीं, और कर रहे हो तो फिर करते रहो, वरना कोई यकीन नहीं करेगा। मुझे फिर से सुबह का खाना खाना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, छोला अच्छा बना था इसलिए खा ले रहे खुशी खुशी। अदरवाइज़ कोई और चीज़ होती ना जो सुबह भी मुझे अच्छी नहीं लगी तो, और इस टाइम भी वैसे ही रहता, तब मुझे ज़्यादा बुरा लगता। तो चलो खाना खा लेते चल गए। सो दोस्तों मैं खाना खा के आ गई हूँ, और अब मैं अपनी बुक रीड करूँगी और बैठूँगी थोड़ी देर। अभी मम्मी सीरियल देख रही हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग वॉक पे। और आज ना मैं मार्केट से क्या लाई हूँ आपको दिखाऊँ या थोड़े दिन बाद दिखाऊँ, क्या लगता है? मन तो हो रहा है कि दिखा दूँ, बिकॉज़ मैं आपसे हर कुछ शेयर करती हूँ, तो मेरा मन हो रहा है कि आपसे दिखा दूँ, आपको मतलब दिखा दूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। पर सोच रहे हैं यार दो दिन की बात है, और मतलब उसको वैसे दिखाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या कहते हो? सोचते हैं मार्केट से बहुत कुछ नहीं लेके आए, थोड़ा सामान लेके आए हैं, तो जिसमें से थोड़ा दिखा देते हैं और थोड़ा नहीं दिखाते। तो सबसे पहले ये इयररिंग है, मैं इसे पास से भी दिखा दूँगी। और ये स्टक है, डायमंड है, ये अमेरिकन डायमंड है, अच्छी खासी कॉस्ट भी है इसकी और अच्छे हैं भी, क्योंकि मेरे ना गोल्ड की इयररिंग टूट गई है। और अभी जब मार्केट जाऊंगी, जब फेस्टिव सीज़न में, तब भी पता नहीं इतना टाइम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जाना वैसे अभी हो नहीं रहा है। और अभी जब जाएंगे भी दिवाली के टाइम पे, तो दिवाली के टाइम पे ना ज्वेलरी शॉप में बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं धनतेरस को लेके, तो उसमें ये जोड़ना तोड़ने वाला काम नहीं होगा। और मेरे ना जो इयररिंग्स थे, जो टॉप्स वाले थे, वो मेरे यहाँ पर डंडी लगती है टॉप्स की स्पेशली, तो हम ना उसको हमेशा हटा देते थे, और रोज़ ढक्कर पे डांट खा रहे मम्मी से कि खाली कान नहीं रहते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। सो आज जब मैं मार्केट गई तो सडन मुझे ये दिखा, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और काफ़ी प्यारे से एक फ्लावर बना हुआ है, अभी पास से आपको क्लोजअप करके दिखाऊँगी। और थोड़े से लिपस्टिक के शेड्स लेके आए हैं, और मेकअप में सामान लाए हैं थोड़ा बहुत जो मेरे पास ख़त्म हो गया था। और एक चीज़ न्यू है जो मैंने अभी तक वेयर नहीं की, वो मैं वेयर करूँगी, और वो मैं नहीं दिखाऊँगी आपको, वो मैं दिखाऊँगी परसों के ब्लॉग में। सो वी द कंटिन्यू। सोचना क्या है आप लोग, बताना मुझे कमेंट में, बताना गेस करके कि क्या ऐसी चीज़ें अभी तक मैंने नहीं अपने ब्लॉग में दिखाई है, और वो है मेकअप रिलेटेड ही। सो वो है, और मेरे लेसेस ग्लू है, तो मैं ना लेसेस भी लगाने की सोच रही थी इस बार की। वैसे मैं नहीं लगाती हूँ, सिर्फ आती नहीं हूँ, आई लेसेस लगाती नहीं हूँ, मैं मस्कारा लगा लेती हूँ, उससे मेरा काम बन जाता है, क्योंकि मेरी आँखें इतनी बड़ी बड़ी है नहीं, छोटी सी आँखों तो उसमें कितना ही कुछ करेंगे। तो पर इस बार मन है, क्योंकि मेरे पास लेसेस रखी हुई हैं और ग्लू बेड के अंदर कहीं चला गया है, तो मुझे लगा कि यार चलो दिवाली में देखेंगे जब निकलेगा, तो मैं ना एक लेस ग्लू लेके आई हूँ, वो लगाऊंगी और आपके साथ अच्छे से ब्लॉग शेयर करूँगी। परसों का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला है, तो मस्त बहुत याद रखिए मेरी बुक, इनमें से एक बुक निकालूंगी, एक बुक क्या जो मैं पढ़ रही हूँ आजकल, वही पढ़ूंगी, बुक पढ़ेंगे। और आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ कल के ब्लॉग के साथ, तब तक सो फ्रेंड ये मैं लेके आई थी मार्केट से, और छोटे छोटे से हैं, प्यारे से हैं, लग रहे हैं स्टॉक पर हैं, ये बाली टाइप की, और बहुत ब्यूटीफुल है, पास से बिल्कुल शाइनी शाइनी और लाइट वेटेड है। और मैंने शुरू से ही ऐसे छोटे बालियाँ और टफ्स वगैरह पहने हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। सोचा तो आपको नहीं दिखाऊंगी, ब्लॉग में दिखाऊंगी, पर क्या करें यार, आप लोग से इतनी ज़्यादा लगाव है कि मैंने दिखा दिया। मैं फेक नेल्स लेके आई हूँ दोस्तों, जो कि मैं डांडिया नाइट में पहनूंगी, तो आप देखना कैसे लग रहे हैं। और ये है पास से क्लोजअप बाली, मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दे, आप बताना कैसी लग रही हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।